हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं काफ़ी दिन के बाद आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। रीज़न था कुछ, आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी या फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में शेयर करूँगी किस रीज़न से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और यहाँ पर मैं सेक रही थी रोटी और चावल बन रहा था। मैंने आज कुकर में नहीं बनाया चावल, आज गंजी में बना रही हूँ, चनिया जैसे चनिया में बनता है मेरे यहाँ वैसे मैं बना रही थी। तो एक साइड मेरी रोटी सेक रही थी, दूसरे साइड मेरा चावल पक रहा था। तो अभी 11 बज गए हैं और हमारे यहाँ यही टाइम होता है खाने का, तो अभी कोई खाया नहीं था। तो मैंने सोचा रोटी सेक कर रख देती हूँ, रात तक की मैं सेक कर रख देती हूँ रोटी, क्योंकि हमारे यहाँ रात में गरम गरम रोटी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मतलब तो सेक के रख दो तो सही रहता है। तो अब आप लोग कमेंट मत करना कि गरम गरम क्यों नहीं सेकती, अब हमारे यहाँ पसंद नहीं करते, इस वजह से मेरे को सेक के रखनी पड़ती है। एंड जब खाते हैं तो थोड़ा सा गुनगुनी कर देते हैं, मतलब हल्की सी गर्म कर देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो बस मैं रोटी सेक कर रख देती हूँ, साथ में यहाँ पर वर्षा दीदी भी कुछ काम कर रही थी अपना। तो गाइज़ अभी गर्मी इतनी भयानक पड़ रही है, एक चिपचिपी वाली गर्मी, इतनी गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोग भी बताना आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है, सही में पड़ रही है गर्मी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। साथ में वर्षा दीदी से भी काम करवाती जा रही और फिर ये आ गए थे, जैसे कि मैंने बताया ना खाने का टाइम हो गया था, तो बस इनको खाना सर्व कर देती हूँ। साथ में मैं रोटी भी सेकती जा रही हूँ और खाना भी सर्व कर देती। मेरा पूरा खाना ऑलमोस्ट पूरा डन हो गया था, बस रोटी जैसे कि रह जाती है। और पता नहीं यार मेरे को छींकें आ रही थी बहुत उस टाइम पे एकदम से, अगर मुझे एक छींक आती है ना तो फिर वो छींक पे छींक आती जाती है, तो मैं बस छींक से परेशान थी। और ये मैंने लगा दिया है खाना इनका। सो गाइज एक्चुअली आज फूफा जी को आना है हमारे घर पे, तो आप लोग तो जानते हो मेरे फूफा जी एडवोकेट हैं, तो कुछ काम के सिलसिले से आने वाले हैं घर। तो मैं सोच रही थी जल्दी से खाना वगैरह हो जाएगा, इसके बाद फिर मुझे नाश्ता भी सोचना है। वैसे मैंने सोच लिया था मंगौड़ी बनाई थी, बट मैं वीडियो नहीं ले पाई हूँ आप लोग के लिए। मैं वहाँ पर प्याज लेने के लिए गई थी, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, प्याज और दही वाला आइटम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतनी चिपचिप वाली गर्मी पड़ रही है ना। तो बस ये प्याज काटी और फटाफट से इनको दे के आती हूँ खाना। तो ये देखिए आज मैंने ये खाने में बनाया था भिंडी की सब्ज़ी और ये दाल फ्राई। हमारे यहाँ जो दाल का तड़का रहता है ना थोड़ा खड़ा लगता है, खरा लगता है, तो रोटी भी मैंने खरी खरी दी है और ये टमाटर की चटनी बनाई थी, साथ में मैं प्याज काट दी थी मैंने। तो ये मैंने खाना लेकर जा रही इनको दे के आती हूँ। फिर इसके बाद ना आज दीदी ने मंगाया था, कुछ दिन पहले मंगाया था, मतलब मिंत्रा से एक कुर्ता मंगवाया था, तो मैं आप लोग को वो दिखा रही हूँ, पार्सल आ गया है। तो ये मम्मी खोल रही है, एक्चुअली ना यहाँ पर मेरे रूम में हम लोग बैठे हुए थे, एक्चुअली दीदी की तबीयत सही नहीं थी थोड़ा सा, फिर मैं आप लोग को कल बताऊँगी क्या हुआ है दीदी को, कल वाले व्लॉग में आप लोग को पता चलेगा। तो ये व्लॉग है एक्चुअली किस दिन का है, ये 5 तारीख का व्लॉग है, 6 तारीख का, 6 तारीख को जब दीदी को आइसक्रीम क्लास स्टार्ट करनी थी तो फिर नहीं किया है उनने, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी इसलिए। तो ये 6 तारीख का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, 6 जुलाई का। तो ये देखिए ये कुर्ता है, बहुत ही बढ़िया कुर्ता है ये, एक्चुअली 2000 का मिल रहा था बट ऑफ़र था तो 1000 रुपये में मिला है। तो मैं आप मम्मी आपको लोग को खोल कर दिखा रही हैं, तो ये देखिएगा, अगर आप लोग को चाहिए ना तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। साथ में बहुत बढ़िया है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, साथ में जो कढ़ाई दी हुई है बहुत अच्छी लग रही थी सूट की, लेगी और दुपट्टे के साथ आप ले सकते हो, वरना आप कुर्ता पर वेयर कर सकते हो लेगी के साथ। तो ये देखिए बताइएगा कि कैसी लग रही है कुर्ती। अच्छा वैसे कपड़ा सही है, मिंत्रा के वैसे अच्छे रहते हैं लेकिन थोड़े महंगे जरूर होते हैं। अजीब सी है वो लगा था उसमें, सो गाइस ये देखिए मैंने बोला था ना फूफा जी आने वाले हैं, तो अभी टाइम ना 3 बज रहे हैं, 3 या 3:30 थे, तो फूफा जी आ गए हैं कुछ काम के सिलसिले से। तो बस ये फूफा जी और ये देख रहे थे कागजात वगैरह, तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, पानी वगैरह लेकर आ रही हूँ फूफा जी के लिए। तो आज मैंने ना नाश्ते में फूफा जी के लिए मंगौड़ी बनाई थी, मतलब मम्मी बना रही थी, हम लोग फुला कर रख लिए थे, मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया नाश्ता। फूफा जी को ये मतलब तेल वो
पुराने आइटम जो होते हैं ना देसी आइटम, इस टाइप के आइटम ज़्यादा पसंद है पापा को भी और फूफा जी को। तो ये हमने मंगौड़ी बनाई थी, तो यहाँ पर सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और बस इसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में और ये मैं पानी लेकर आई थी ना, तो ये ट्रे दे रहे थे कि ले जाओ वापस। इसके बाद मैं फिर छत में आ गई थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और ना अभी टाइम हो रहा है 5:30-6 हो गए हैं, तो ना मैं छत पे आई थी, काफ़ी दिन के बाद आज छत पर आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आती थी डेली बट आज मैं सोची आज बाहर ना जाके छत में जाया जाए, रोज़ रोज़ वही वही जगह जा जाके इंसान थोड़ी सी बोरियत लगने लगती ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज छत में जाया जाए। तो बस आ गई थी मैं इधर वॉक करने के लिए। और चलिए मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी बस छत में आई तो यहाँ पर आपको मैं सनसेट पॉइंट दिखाती हूँ। देखो पीछे से दिख रहा है ना मेरे साइड से, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं एक्चुअली व्लॉग नहीं डाल रही हूँ ना, मेरे को खुद ही लग रहा है, बट यार मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या शेयर करूँ आप लोग के साथ। तो मुझे खुद भी मतलब रोज़ बताने में दिखाने में मुझे लगता है मैं क्या दिखाऊं। आप लोग कुछ सजेस्ट करो ना कि क्या देखना है आप लोग को, कुछ मैं भी नया करना चाह रही हूं बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं क्या करूं। और गर्मी इतनी तेज़ लग रही है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो देखो अपर लिप्स में पसीना निकल रहा है। और एक्चुअली कोई आ गया था नीचे शोरूम पे, तो ना मुझे देखे उनने छत में है, तो वो बोल रहे थे कि कोई नहीं नीचे बुला दो, तो मैं बोल रही थी उनसे कि मैं बुला देती हूँ कॉल करके इनको। कर रही थी तो यहाँ पर कस्टमर आए हुए थे तो कोई था नहीं शोरूम में, तो बस वो मुझे छत पर देखे तो बोल रहे थे कि बुला दो कोई नहीं है क्या, तो फिर मैं इनको कॉल करने लग गई थी, इसलिए मैं बीच में आप लोग से मैंने बोला पहले उनको कॉल कर देती हूँ वरना फिर उन लोग चले गए। तो चलो मैं आप लोग को वो सनसेट पॉइंट दिखाती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सो मैं मेरे से जैसे भी कैप्चर हो पाया मैंने आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये होते हैं तो अच्छे से मतलब वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, बट मेरे से क्या होता है ना, मैं जूम करके दिखा रही थी बट वो कैमरा हिल रहा था। तो ये देखिए ये मैंने कैप्चर किया है सनसेट पॉइंट, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि व्यू बहुत शानदार था उस टाइम का। आज ना फूफा जी भी आए हुए थे घर पर हमारे, कुछ काम था। आप लोग जानते हो मेरे फूफा जी जो हैं एडवोकेट हैं, तो कोई केस है इसके सिलसिले में आज वो आए हुए थे घर। तो नाश्ते में आज ना हमने बनाया था मंगौड़े, जो दाल की मंगौड़ी होती है ना वो बनाई थी प्याज वाली। तो अभी तो चले गए हैं वो, लगभग 3 बजे के करीब आए हुए थे। तो बस आज ये बनाया था हमने नाश्ता, वीडियो नहीं बनाया है आप लोग के साथ, जब मैं चनिया में थी ना तब शेयर की थी मंगौड़ी जो होती है, आप लोग कई लोग जानते भी होंगे एक्चुअली, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जानते हो या नहीं मूंग दाल की बनती हैं वो। सो ये देखिए हमारे घर के पीछे का हिस्सा है ये, बढ़िया यहाँ पर ग्रीन ग्रीन मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं आगे अगल बगल साइड में सब जगह। देखो मैं इनको भी दिखाती हूँ, ये शोरूम है ये देखो। और पता नहीं ये हमारी छत में ये कौन सा पेड़ है, मुझे पता नहीं है कौन सा फूल है ये, शायद शंकर जी को चढ़ाया जाता है वो वाला फूल है क्या, पता नहीं शायद नहीं है वो। और ये देखिए हमारे घर की बाइक एंड स्कूटी खड़ी हुई है। और ये देखिए मैं आप लोग को सामने दिखाती हूँ, एक्चुअली हमारे घर के सामने ना आर्मी वाले जो होते हैं ना वो यहीं पर ही रहते हैं, ये देखो उनका यहाँ पे हमारे घर के सामने ही जस्ट है, ये देखिए आप लोग देख सकते हो गाड़ी भी खड़ी हुई उनकी। को एक चीज दिखाना तो भूल ही गई, ये देखिए हमारे घर के नीचे ये देखिए कितने बढ़िया फूल लग रहे हैं ना, एकदम वाइट बहुत अच्छा लग रहा है ये मुझे। तो देखिए यहाँ पर फूल तोड़ते भी नहीं बने, यहाँ से कोई तोड़ भी नहीं पाता है। तो ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ एक चीज़, हमारे घर में गार्डन बढ़िया है, मतलब फूलों की कमी नहीं है, भगवान जी को
घर से ही फूल मिल जाते हैं, ऐसे नहीं कि माली वगैरह लगाने की ज़रूरत है, घर से ही भगवान जी के लिए पर्याप्त फूल आ जाते हैं। गुलाब वगैरह सब लगे ही हुए हैं, और वो लाल वाले फूल को, रेड वाले फूल को क्या बोलते हैं, वो भी पीछे लगा हुआ है, तो फूलों की कमी नहीं है बिल्कुल भी घर में। और यहाँ पे ये देखिए, ये वाले फूल हैं गाइज। इसके बाद फिर मैं नीचे आई तो देखी, मुझे कुछ सामान लेने जाना था स्टोर में, तो देखी मैंने यहाँ पर ना वो गिरगिट होती है, गिरदान वो जो कलर चेंज करती रहती है वही घुसी हुई थी। तो ये मैंने वीडियो कैप्चर कर रखा था, और पता है मुझे बहुत डर लग रही थी, मैं इसको देखकर खड़ी हुई थी, मतलब कहीं घुस ना जाए। फिर मैंने बाहर से बुला के लाया एक चुन को, तो वो भी वो जो निकालने के लिए करे तो वो और अंदर घुस गई थी। तो फिर बाद में हम लोग वो बोले कि आप परेशान मत हो, अपने आप निकल जाएगी। तो हम लोग टेंशन में थे यार कहीं घुस जाएगी, डर लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा, और स्पेशली मुझे छिपकली से बहुत डर लगती है। तो ये छिपकली का दूसरा रूप है, बड़ा वाला। तो ये देखो कुछ देर के बाद ना ये स्टैंड में चढ़ गई थी, ये देखिए इतनी तेज़ भगती है ना ये, तो पता नहीं कहाँ से घुस गई थी, फिर ये खुद से ही वापस से निकल भी गई थी। और ये हमने मीठी अचार बनाई थी, आम की खट्टी मीठी अचार, तो बस ये पक रही है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे सच्चे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।